नमस्कार, रीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे। तो चलिए, क्या क्या लिया है देखते हैं। सूजी के गोलगप्पे के लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है, और मैंने ये इमली ली है जिसको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, और मैंने थो कुछ ये बूंदी ली है, और हाफ कटोरी चीनी ली है, और ग्रीन पानी के लिए मैंने कुछ ये धनिया लिया है, पुदीना लिया है, और 3 हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच ये चाट मसाला लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने ये बॉयल किए हुए आलू लिए जिसको पहले बॉयल कर लिया था, बॉयल किए हुए ही ये चने हैं। तो चलिए पहले हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। बावल में सूजी को डाल लेते हैं, अरे इसमें हल्का हल्के डालते हैं पानी। पानी मैंने थोड़ा गुनगुना लिया है, ठंडा नहीं लिया है, इस ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सूजी पानी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। इतने हम अपना पानी तैयार कर लेते हैं। बाहर में ये हरा धनिया डाल दिया है, और ये पुदीना, और ये 3 हरी मिर्च, और नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेते हैं। हम इसको अच्छे से बारीक सा पीस लेते हैं। देखिए, हमने एक बाउल लिया है इसमें छलने से, और हमारे ये जो पीसा है इसको छान लेते हैं अच्छे से, ताकि जो इसमें मोटा मोटा बचा है ये छन जाए। ये अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं अपना, अब इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं ये बूंदी, और 1 चम्मच ये चाट मसाला, और इसमें आप अगर आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ा नमक और डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ग्रीन पानी बन के तैयार हो गया है, अब हम अपना रेड पानी तैयार कर लेते हैं। ये इमली जो हमने आधे घंटे पहले भिगोई थी, इसको पहले हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेते हैं, और जिसका ये अंदर बीज है इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बीज मैंने पूरे निकाल लिए, अब जार में डाल लेते हैं, और इसमें डाल लेते हैं ये चीनी हाफ कटोरी, और इसको मिक्सी में अच्छे से घुमा लेते हैं। हमने दूसरा बाउल लिया है, इसको हमें छलनी से छान लेते हैं। इसमें ऊपर से और पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं अपनी बूंदियाँ, और इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारा खट्टा मीठा पानी भी बन के तैयार हो गया है। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और इसे अच्छे से मल लेते हैं। सरसों का तेल लगा के और इसको अच्छे से मल लेते हैं, ताकि और चिकना हो जाए। ये देखिए, लाटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम छोड़ के पहले अपना कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं, और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के और इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं सारे आटे की एक बार, फिर पूड़ियाँ बेल लेंगे। ऐसे हमने हाथ के थोड़ा तेल लगाना है, और फिर इसकी ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। खेल लोइयाँ हमारी बन चुकी हैं, अब इनको हम लंबा लंबा बेल लेते हैं। हमने गोल नहीं करना है, इनको लंबा लंबा बेलना है। अब ऐसे ही करके सारे धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं।
तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इनमें हम अपनी एक एक डाल के और इनको अच्छे से तल लेते हैं। ये देखिए हमारे गोलगप्पे अच्छे से फूले फूले तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। गोलगप्पे तो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने ये आलू तैयार कर लेते हैं। इनमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इनमें मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली है, मैंने स्किप कर दी। आपका टेस्ट बैठे तो आप डाल भी सकते हैं और इनको अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए हमारी सूजी के गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं, सब कुछ होममेड है। गाइस ये रेसिपी आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसकी हर चीज़ अपने हाथों से बनाई है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।